मैं साहब के इंतकाल में गया तो देखा कि इनको कब्र में लिटाने के डालने के बाद, डालना नहीं होता, कोई कोई केले के छिलके थोड़ी हैं जो डाले जा रहे हैं उसमें, या कोई ऐसी चीज़ है। मैयत को कब्र में डाला नहीं जाता, मैयत को कब्र में रखा जाता है। कब्र में रखने के बाद सब ने अपनी अपनी मुट्ठी मिट्टी एक ट्रिप में जमा की, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक टोपी में जमा की और उसकी कब्र पे डाल दी। और कब्र बंद करने के बाद जो तीन मुट्ठी डालते हैं वो नहीं डाली कब्र में। याद रखो ये जो तीन मुट्ठी डालते हैं ना, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम, इसका कोई सबूत नहीं है कुरान और हदीस से। वैसे मुट्ठी डालनी चाहिए ताकि ये एहसास हो, एक तो इसमें मैयत का इकराम है कि हम अपने भाई को अपने हाथों से दफना रहे हैं, और इस्तेहजार भी है कि इस कब्र की मिट्टी को हाथ लगाओ, इससे नफरत ना करो, कल कब हमने भी इस कब्र में जाना है, तो इससे ज़ार होगा। इसलिए मिट्टी डालनी चाहिए, मगर इसको सुन्नत समझना सुन्नत नहीं है। अगर किसी लड़की का निकाह हो गया, ये हो गई भाई रुख्सती से पहले तलाक हो गई।